बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर, ये आपने सुना होगा जी। और ये वीडियो जब भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपने पहले ये देख ली होगी, मुझको पता है यार। तो लेकिन मैं थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसकी, जो मुकम्मल अभी तक की तफसीलात सामने आई हैं। ये बंदा पाकिस्तानी है कौन, इसकी उम्र क्या है, दुबई में काम क्या करता था, जो इससे भाई रकम मिली है उसके उससे क्या करेगा। तो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ वो मैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भाई मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, आप यकीन करें। वो क्यों, आप पूछेंगे वो क्यों? अच्छा, हमने भी कैसा ही काम किया था। कैसा भाई? कि एक भेड़ की जान बचाई थी यहाँ सऊदी अरेबिया में, जंगल में फंसी हुई बिल्कुल, जिससे जंगली जानवर कुत्ते वगैरह खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे बचा लिया। और चंद दिन बाद ही उसके, माशाल्लाह वो भी प्रेग्नेंट थी, उसके पीछे मैंने दो बच्चे भी देखे जो भाई उसका दूध पी रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़। अच्छा, वो वीडियो मैं ना आपके साथ मुकम्मल तफसील से कल इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, आपने मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो आपको आपने देखा होगा, कभी मैंने आपको ये नहीं बोला भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये करें, वो करें, लेकिन मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कल वो भेड़ वाली वीडियो को भाई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा यार, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा या यूट्यूब पर या व्हाट्सअप ग्रुप में कहीं, क्योंकि भाई थोड़ी चलो वो लोग देखेंगे तो शायद आपके भाई को भी कुछ मिल जाए यार। मैं डिटेल के साथ वो वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मजा आएगा वो वीडियो देखकर। तो बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। ये दुबई में वाकई पेश आया जी, पाकिस्तानी है जी ये आतिफ महमूद, इनका नाम है। अच्छा, दुबई में ये सेल्समैन का काम करते थे, तो सेल्समैन आपको पता है शॉप वगैरह के ऊपर माल वगैरह बेचते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि बिल्ली ऊपर भाई एक दूसरे फ्लोर के ऊपर भाई वो कूदने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसको नीचे उतरने के लिए जगह तो है नहीं, तो वो छाल मारने के लिए रेडी है। तो मैं ये देख रहा था, पहले मैंने एक बॉक्स लिया है, वो उसके नज़दीक किया, वो उसमें नहीं बैठी। फिर मैंने दो बंदों को और को बुलाया है, वो दोनों बंदे एक मराक्षी था, एक शायद किसी और कंट्री का है। तो हम तीनों ने एक बेडशीट फिर किसी से मांगी है, वो बेडशीट लेकर हमने उसके नीचे की है बिल्ली से। यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी चलानी दिखानी शुरू कर चुका हूँ। वो बिल्ली ने फिर उसके ऊपर छाल मारी है, यानी कि ऊपर से बाइक कूदी है, हमने उसको नीचे उतारा, उसको प्यार किया है। वो प्रेग्नेंट थी, वो बिल्ली के पेट में बच्चे थे, माँ बनने वाली थी। अच्छा, ये वीडियो सामने एक ग्रोसरी स्टोर था जी, उस बंदे ने जो कि जिसका नाम गालबन राशिद बताया जा रहा है, इंडियन था वो, उसने वीडियो बनाई इनकी। बस वीडियो बनाने के बाद उस बंदे ने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दी। वीडियो चंद मिनट के बाद ही वायरल होना शुरू हो गई और काफ़ी वायरल हो गई। जब काफ़ी वायरल हो गई तो फिर ये भाई दुबई के प्रिंस उनके पास पहुंची है, उन्होंने खुद से ये ट्वीट की है। तो ट्वीट करने के बाद उन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि ये बंदे कौन से हैं, इनके मुतलक हमें कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे। जब आतिफ महमूद साहब को इस चीज़ के मुतलक पता चला है ना, जब उनको पुलिस ने आके उनसे पूछा है कि आपका नाम आतिफ है, उसने बोला जी, आपने एक बिल्ली की जान बचाई, उसने बोला जी, वो बोले आगे से कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो बोला कि मैं खौफ में मुबतला हो गया कि अभी पुलिस स्टेशन या अल्लाह खैर करी कि बन गया। अच्छा, लकी मरवत का ही पाकिस्तान से, तो वो बोलता है पुलिस स्टेशन गया तो सब बंदे तालियां बजाने लग गए। मुझको बोल रहे थे कि आपकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, बहुत बंदे इसको लाइक कर रहे हैं, आप यानी कि आपको दुआएं दे रखे हैं। दुबई के शेख की तरफ से 2,00,000 दरहम आपके लिए इनाम रखा गया है, आप चारों बंदों के लिए। ये तीन बंदे ये जो बिल्ली की जान बचाने वाले थे, मेन जिनमें यही था भाई, जिनमें मेन यही था आतिफ महमूद, दोनों बंदों को इसने खुद से बुलाया, बेडशीट इसने खुद से मांगी, चौथा बंदा इनके साथ वो भी रल गया जो इनकी वीडियो बनाने वाला था। तो चारों बंदों को 50,000 दरहम की भाई रकम दी गई, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इसके बकौल अभी ये कहना है कि मैं अपने पापा के लिए, अपने वालद के लिए गाड़ी खरीदूंगा और उसके बाद खुद से दुबई में अपना कुछ कारोबार करना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ जी, इसके साथ अल्लाह ताला ने इसको इस चीज़ के बदले बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा है, यहाँ पर अभी और आखिरत में भी। तो आप भाइयों के साथ मैं वो यहाँ पर अभी वो दिखा रहा हूँ आपको उसकी पिक्चर, उस भेड़ की जिसकी हमने जान बचाई और उसको हम चार बंदों ने मिलकर वादी से कैसे निकाला, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा पंजाबी कमेंट्री के साथ। तो आप भाई यार थोड़ा देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चलो आपके भाई की भी सुनी जाए तो।